नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं बायोलॉजी क्लास बिजनपल वाटी कॉलेज की ओर से। बेटा मुझे लग रहा आप सब लोग ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे। मैं जो आपको बना रहा हूँ नोट्स, ये शॉर्ट नोट्स हैं आपके, आप इनको डायरेक्टली ऐसे ही नोट कर सकते हैं और नोट करने के बाद आपको ये आसानी से आपको याद भी हो जाएंगे क्योंकि ये शॉर्ट नोट है। साथ ही साथ मैं आपको पिक भी भेज देता हूँ, आप उसको भी अध्ययन करके आसानी से और समझ के अपनी भाषा में उनको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, इनको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है हमारा ये है जीवाणु विजनन। देखो जीवाणु क्या है, हम पढ़ रहे हैं पूरे जीव जगत का वर्गीकरण, पता है ना आपको। इसमें आरएच व्हिटेकर ने 5 भागों में बांट दिया था, पहला मोनेरा, प्रोटेस्टा और कवक, पादप, जंतु। ठीक है, जो पहला भाग है, जो पहला जगत है उसका नाम क्या है, मोनेरा। और ये मोनेरा में क्या आते हैं, जीवाणु आते हैं। मतलब ऐसे मोनेरा के अंदर वो जीव आते हैं जो एक कोशिका के बने होते हैं, एक कोशिका के बने होते हैं। और ये कोशिका का प्रकार कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है। आज गर्मी काफी है, कोई नहीं, चलो जीवाणुओं में जनन हमको देखना है। इससे पहले हम पता कर चुके हैं कि जीवाणु अपने साइज शेप के अकॉर्डिंग, अपने आकार के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, जीवाणुओं का पोषण कितने तत्व प्रकार से हो सकता है, पता है ना आपको। स्वयंपोषी, परपोषी याद आ रहा है कुछ, स्वयंपोषी में भी कई प्रकार थे, प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी, और परपोषी में भी कई प्रकार थे, तीन आपके मृत जीवी होते हैं, परजीवी होते थे और साथ ही साथ आपका सहजीवी थे। उसके बाद में अगला टॉपिक लिया था हमने कि जीवाणुओं में श्वसन किस प्रकार से होता है, तो श्वसन के आधार पर जीवाणु दो प्रकार के बताए गए थे बेटा, कौन से थे, ऑक्सी जीवाणु या कह सकते हैं, और दूसरे अनऑक्सी जीवाणु, यानी कि ऐसे जीवाणु जो श्वसन के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं और ऐसे जीवाणु जो श्वसन के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं करते। उसके बाद में जो आज का जो टॉपिक है वो चलेगा बेटा जीवाणुओं में जनन, ये मुख्य चीज है, जीवाणु जनन किस प्रकार से होता है हमको ये देखना। तो देखो मुख्यतः रूप से जीवाणु जनन जो होता है वह अलैंगिक ही होता है। अलैंगिक जानते हैं आप, देखो जनन दो प्रकार के होते हैं, मोटा मोटी यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जनन दो प्रकार के होते हैं और दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक। ठीक है जी, ये कैसे होते हैं, अलैंगिक ऐसे होते हैं जिनमें लैंगिक जनन अंगों का प्रयोग नहीं किया जाता और लैंगिक में इनका प्रयोग किया जाता है जनन अंगों का प्रयोग। तो सिंपल सी भाषा की बात हम करेंगे कि अलैंगिक जनन अमान्य नहीं होना, यानी कि इसमें लैंगिक जनन अंगों का प्रयोग नहीं होता। इसका उदाहरण कैसे है, जैसे हमने आपको पहले क्रम बता रखा द्विखंडन द्वारा। द्विखंडन क्या होता है, कोई भी जीवाणु की एक कोशिका है बेटा और वह दो, द्वि माने दो, खंडन माने टूट जाना, यह दो भागों में प्रॉपर टूट जाएगी। तो ये क्या हो गया, एक से दो बन के, देखो एक का जन्म हुआ नहीं हुआ, हो गया, तो यह प्रक्रिया कहलाती है द्विखंडन और इसको एसिड्री भी कहते हैं। इसमें जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वह आधा आधा बट जाता है। मैंने कहूं मान लो ये पदार्थ है तो ये थोड़ा इसमें आ जाएगा, फिर ये वृद्धि करेगी, तो जो पुत्री कोशिका है ये तो मातृ कोशिका होगी क्योंकि इसे जन्म हुआ है, पर जन्म किसका हुआ है, इसका तो इनको बोलेंगे पुत्री कोशिका या पुत्री जीवाणु। अब ये जो जीवाणु है इनमें जो आधा आधा आनुवांशिक पदार्थ आया है वह वृद्धि करके अपने आप को पूरा बड़ा बना लेगा और फिर से ये पढ़कर आगे बढ़ करती है। ठीक है ना, तो जो द्विखंडन विधि है जीवाणु के अंदर यह अनुकूल परिस्थितियों में लगातार होती रहती है और यहाँ तक कि कोई कोई जीवाणु तो भैया 10 से 8, 12 घंटे में अपने आप को डबल कर लेते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 से बढ़ते रहते हैं ना ये डबल हर बार में, तो एक 8-10 घंटे में डबल हो जाते हैं। तो एक विधि तो होगी आपकी द्विखंडन की, दूसरी होती है अंतर बीजाणु द्वारा। हम आपको पूरा चीज पढ़ाएंगे, अंतर बीजाणु क्या होते हैं कि जो आपकी कोशिका है उसके अंदर को है प्रतिकूल परिस्थिति, जब परिस्थिति अनुकूल नहीं होती है तो उस कंडीशन में अंतर बीजाणु बन जाते हैं, एक छोटी कोशिका बन जाती है जिसके ऊपर एक कड़क दृढ़ रचना बन जाती है, इसको बीजाणु कहते हैं। तो अंतर बीजाणु बन जाते हैं और उनके द्वारा उनका जनन होता है, ये बीजाणु जहां भी गिर जाते हैं और जैसे इनको परिस्थिति अनुकूल मिलती है वहां पे अपना अपने आप को ही ग्रो कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, मान लो ये जीवाणु है इसको जिंदा रहने के लिए यहाँ पर परिस्थिति नहीं है, अनुकूल परिस्थिति इसके नहीं है, तो क्या होगा, इसके चारों ओर एक कड़क झिल्ली सी बन जाएगी जिसे हम कहेंगे अंतर बीजाणु। और यह अंतर बीजाणु क्या करेगा, कुछ समय पश्चात जब इसको अनुकूल वातावरण मिल जाएगा तो अपने आप को ये झिल्ली टूट जाएगी और एक ग्रो होकर फिर से
दो बना लेगा, ठीक है। आगे चलते हैं कोनिडिया द्वारा। कोनिडिया क्या होते हैं? कुछ तंतु में जीवाणु होते हैं, उनमें ऐसे छोटे छोटे स्पोर्ट से बन जाते हैं, और यह स्पोर्ट अनुकूल वातावरण मिलते ही, यह स्पोर्ट से अणु जो होते हैं अनुकूल वातावरण मिलते ही यह अपने आप को ग्रो कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा, अंतर्जणु होता है, कहाँ होता है मोस्टली? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, यानी कि ग्राम पॉजिटिव जीवाणु जो है उनमें यह पाया जाता है, ठीक है। समझ पाए मेरी बात को? और आगे क्या है आपका इसमें? अच्छा, अभी समझ इसे हम फिनिश करते हैं, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं है। बात करते हैं दूसरा पार्ट जो है लैंगिक जनन की। जनन पढ़ रहे हैं दो प्रकार, अलैंगिक और लैंगिक। अब लैंगिक की बात करते हैं तो लैंगिक एक्चुअली होता क्या है? ये जो लैंगिक जनन है ना, वास्तविक लैंगिक जनन भी नहीं होता। जैसे यूकेरियोटिक कोशिकाओं में लैंगिक जनन होता है, उस तरीके से नहीं होता। यह क्या होता है? यह सिर्फ मात्र आनुवंशिक जो पदार्थ है उसका पुनर्योजन है। मतलब हम कह सकते हैं कि जीवाणु में लैंगिक जनन होता है वह मात्र आनुवांशिक पदार्थों का पुनर्संयोजन ही होता है। जीवाणु के अंदर लैंगिक जनन यूकैरियोटिक कोशिकाओं के समान नहीं होता। अब यह जो आनुवांशिक पुनर्संयोजन है यह कितने प्रकार से हो सकता है? तीन प्रकार से, संयुग्मन, रूपांतरण और पारक्रमण। तीन प्रकार के हम इसमें आनुवांशिक पुनर्संयोजन देख सकते हैं। पहला संयुग कौन सा है? संयुग्मन। दूसरा प्रकार रूपांतरण का, और तीसरा प्रकार पारक्रमण का। तो हम इन प्रकारों की बात करने के यार सबसे पहले लेंगे हम संयुग्मन। संयुग्मन किसने देखा था सबसे पहले? वैज्ञानिक लेडरबर्ग तथा टैटम ने। लेडरबर्ग तथा टैटम ने सबसे पहले जीवाणु ई कोलाई में संयुग्मन के द्वारा लैंगिक जनन नोटिस किया था। उसने देखा कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया जीवाणु है इसमें संयुग्मन के द्वारा लैंगिक जनन होता है। देखो मैंने आपको बताया था पिछली लेक्चर्स में कि जो जीवाणु होता है उसके ऊपर सतही उपांग होते हैं। उपांग कशाविका भी होता है और सेक्स प्लाई भी होती है। प्लस तो मान ली एक कोशिका है, दूसरी कोशिका है, जो सतही उपांग है प्लाई, इसके द्वारा एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसके द्वारा इसका जो आनुवांशिक पदार्थ है वह इससे मिलकर नया पदार्थ बना लेता है। अब ऐसे नहीं कि दोनों आपस में देंगे, ऐसा नहीं होता। कोई सा एक देगा तो मान लो ये है, इसे हम नर कहेंगे, मेल कहेंगे, सॉरी नर लिख रहा हूं मैं। और नर क्या होता है? दाता होता है। जो नर जीवाणु कोशिका है वह दाता है, मतलब वह अपना आनुवंशिक पदार्थ दूसरी कोशिका में ट्रांसफर करेगी और उसको देगी। तो नर जो दाता होता है और ये मादा है, मादा क्या होती है? गिराही है बेटा, गिराही है। तो इसका पदार्थ इसमें जाएगा जो जिसके फलस्वरूप आनुवंशिक जो इसके अंदर मैटेरियल पदार्थ है उसका पुनर्संयोजन हो जाएगा, ठीक है। इसका उदाहरण आप देखेंगे स्यूडोमोनास, साल्मोनेला और विब्रियो, ये तीन तरह के जीवाणुओं में इसका आसानी से आप इसको देख सकते हैं। हमने क्या देखा? देखो मोटा मोटी बेहतर आज हमने क्या पढ़ा है, देखो गौर से देखते हैं। हमने जीवाणु के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ चुके हैं। आज जो पढ़ेंगे वो है जीवाणुओं में जनन, मुख्य दो प्रकार का, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक किस प्रकार से हो सकता है? द्विखंडन द्वारा हो सकता है, जब एक कोशिका दो कोशिका में बढ़ जाती है। अंतर बीजाणु द्वारा होता है, जब इसके अंदर बीजाणु बन जाते हैं प्रतिकूल परिस्थिति आने पर। और तीसरा कोनिडी द्वारा हो सकता है, ठीक है। इसे ही फिनिश कर देते हैं, आगे चलते हैं लैंगिक के विषय में। लैंगिक क्या है? यह वास्तविक लैंगिक जनन नहीं कह सकते एक तरीके से, यानी कि जिस प्रकार से यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है इस प्रकार से इसके अंदर नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तो यह क्या है? यह वास्तव में आनुवांशिक पदार्थों का पुनर्संयोजन ही होता है। इसके प्रकार हमें यहाँ पर देख लिए तीनों, और तीनों प्रकार में पहले तो हमने देखा संयुग्मन को, ये क्या है? इसकी खोज करी थी लेडरबर्ग एटम ने। किसकी खोज? इस तरीके के संयुग्मन की, कि संयुग्मन से जनन होता है। तो इस जनन की खोज किसने करी थी? लेडरबर्ग तथा एटम ने ई कोलाई नामक जीवाणु में करी थी। और इसमें क्या होता है? एक दाता होता है, ग्राही होता है, दाता को नर कहते हैं, ग्राही को मादा कहते हैं, या हम इसको एफ प्लस लिखते हैं और मादा को एफ नेगेटिव भी लिखते हैं। इसका उदाहरण भैया ये, ठीक है। बाकी कर, थैंक यू।